बाबू दो तरह सवाल करने कर ला। चलो सवाल करो, जवाब जान दे। और सुना सब हरियत है। और इनकी एक बात ये मशहूर है, ये लिखाड़ी भी हैं और ये शायरी लिखते भी हैं। सुनाए जी। बेवफा अक्सर दिलों को तोड़ जाते हैं, वाह जो चाहने वालों से हमेशा ही मोड़ जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, अल्लाह करम खुशबाज। आप सुनाए, आप सुनिए शहजादे और शहजादियों। पहले तो यार ये लेवल का मौसम चेक करो, गुजरात का क्या लेवल का सीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चों चाहे क्या बात है, वाह यार मज़े का मौसम है। तो आज की वीडियो बड़ी लेवल की होगी। आज की वीडियो में हम आपको हमारा जो डेरा है शाना डेरा बटर मोड शादीवाल रोड देखते जो सारा डेरा है, हम इस पे जो दुकानें हैं उनसे हम लेंगे इंटरव्यू, दुकानदारों से फनी फनी क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच भी है, उसके बारे में पूछेंगे कि आज कौन सी टीम जीतेगी। तो अभी जाते हैं, जाके उनसे इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि फनी फनी क्वेश्चन। चले अभी हम उनसे जाके इंटरव्यू लेते हैं। आई एम हियर विद अनदर गॉर्जियस पर्सनैलिटी। तो अभी दुकान में मौजूद है जो हमारे शादीवाल जो रोड है इस पर पहली दुकान है। तो चाचू बैठे हुए हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, फनी फनी पहेलियाँ पूछते हैं और पूछते हैं आज कौन सी टीम जीतेगी, वो एस्टिमेट लगा के बताएं। तो ये बैठे हुए हैं। अस्सलाम जनाब, की हाल है? सब खरीद सुना। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक शुक्र। बाबू दो तरह सवाल करने कर ला। चलो सवाल करो, जवाब दे। पहला सवाल मेरा है, मैं दसो वो कि शह है जी जिंदगी दो बारी मुफ्ती लभदी है तो तीसरी बारी खरीदनी पैंती है। दो बार क्यों है? दो बारी मुफ्ती लभे जी, अच्छा तीसरी बारी खरीदनी पवे जी। की चीज है जा दिमाग कोई सवाल का जवाब आ रहा है? सवाल है वेख लाइन तोरियां लाइन मुफ्ती देने दे। पहली बार मुफ्ती तो दूसरी बार दूसरी बार पहली बार पैसे ले लेते हैं। अच्छा अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक और दुकान पे आए हैं, अंकल बैठे हुए हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, फनी फनी क्वेश्चन पूछते हैं। और अभी ये बैठे हैं माशाल्लाह बड़ी गॉर्जियस और बड़ी लेवल की पर्सनैलिटी है। सुनाओ जनाब क्या हाल है? और सुना सब हरियत है। और इनकी एक बात ये मशहूर है, ये लिखाड़ी भी हैं और ये शायरी लिखते भी हैं और इनके कई गज़लें भी इन्होंने लिखी हैं। तो अभी छुपवाए नहीं इन्होंने, लेकिन माशाल्लाह ये मैंने इनसे किसी बंदे ने बताया था। तो आज इनके दो शब्द हम सुनेंगे। तो पहले हम अपने क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बाद हम इनसे एक दो शेर भी सुनेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब और सब खरीत है, बहुत इंटरेस्टिंग करने आपने कर सकता हूँ। मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ है जो औरतों में चार दफ़ा और मर्दों में तीन दफ़ा होती है? नहीं बता चले। अभी एक और दुकान पे आए हैं, वहाँ से भाई बैठे हुए हैं, इनसे लेते हैं इंटरव्यू और क्वेश्चन पूछते हैं, पूछ के आपको बताते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाल है? की नाम है तुम्हारा? जैन अब्बास। माशाल्लाह। तो और सुनाओ सब खरीद है? तो पहला मैं दसो अज पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल मैच है एशिया कप, तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान जीते रहे श्रीलंका जीते रहा? पाकिस्तान। जनाब कैसे हैं आप? और सुनाए सब खैरियत? क्या नाम है आपका? माशाल्लाह। और सुनाए सब खैरियत है? यार मुझे बताएं आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, फाइनल है, तो एशिया कप हो रहा है, फाइनल है, तो आप क्या आज पाकिस्तान जीतेगा या श्रीलंका? हम तो अपने को लगे ही बोलेंगे, लेकिन आप एक एस्टिमेट होता है ना यार, श्रीलंका टीम सख्त है, पाकिस्तान भी ठीक है, लेकिन आपकी ख्याल से कौन सी टीम जीत सकती है? जवाब दसना मैं, जवाब है दंद, पहली दो बारी मुफ्ती लभन देने, तीसरी बारी खरीदने पहले टुट जाते हैं। हाँ पहली बारी उगते हैं फिर टुटते हैं, फिर दूसरी बारी पक्के पक्के उगते हैं, फिर जो टुटते हैं फिर पैसे ला के नवे लवाने पैदे ने, इंजे गल है ना। तो अगला पाकिस्तान से श्रीलंका का फाइनल मैच भी है, तो तुम्हारे ख्याल में कि टीम जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगा या श्रीलंका? पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा। की वजह है? पाकिस्तान से अगर पहली मैच हुआ सेमीफाइनल मुझे बताएं, अगर आपको दो ऑप्शन दे दिए जाते 5 साल से पहले, फुफो की बेटी या खाला की बेटी,
फुफो की बेटी के साथ शादी करनी है हाला की? आप फुफो की बेटी के साथ करते या हाला की बेटी के साथ करते? किसी के साथ? क्या वो वजह? बस वैसे ही, वैसे ही। चले अगला मेरा सवाल है, दसो वो कहड़ी शै है जी मर्दा च त्रै वारी होंगी है औरतों की चार वारी होंगी? औरतों की चार वारी होंगी, सोच दसो आराम से सोच तुम दसो। मर्दा च त्रै वारी होंगी, औरतों की चार वारी होंगी। एक ऐसी शायद और एक बारी ज्यादा वो चीज है याद करो। और मुझे दूसरा सवाल है, ये है फनी सवाल है, सवाल ये है कि मुझे बताएं कि अगर आपको दो ऑप्शन दे दिए जाए, फुफो की बेटी या हाला की बेटी, आप फुफो की बेटी की तरफ रिश्ता करेंगे या हाला की बेटी की तरफ रिश्ता करेंगे? मर्दा तीन होंगी औरतों की चार होंगी? मर्दा च त्रै वारी होंगी है औरतों की चार होंगी? मर्दा च त्रै औरतों की चार ज्यादा दस दे, दस दे जो भी दस दे, जो तो है दिमाग जा रहा दस दे। एक शाह है वो है वे मर्द है ना, मर्द जो अल्फाज त्रै होंगे ने औरत बच्चे अल्फाज चार होंगे ने, आइन वाओ आर ते औरत, मर्द बच्चे मीम आर रे दाल मर्द पूरी दुनिया डॉक्टर बने इस्लामाबाद इलाज करना गुजरात दुआ करो ना इंशाल्लाह पहला गवर्नमेंट वास्ते अप्लाई करो। ओके जनाब मेहरबानी शुक्रिया। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल मैच भी आपको पता होगा एशिया कप, तो पाकिस्तान जीतेगा या श्रीलंका जीतेगा? बात यह है कि मैंने कभी मैच इतने गौर से देखा ही नहीं, इतने शौक नहीं। अच्छा फिर एस्टिमेट बता दें पाकिस्तान के तो हमारी रहते हैं कि पाकिस्तान जीते इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप माशाल्लाह शेर भी लिखते हैं, शेर शायरी भी करते हैं, तो अपने कोई दो अल्फाज हमें सुनाएं जो आपके दिल के बहुत करीब हों और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी देखें, वो आपको लाइक करें इंशाल्लाह, कमेंट करेंगे। बेवफा अक्सर दिलों को तोड़ जाते हैं, जो चाहने वालों से हमेशा ही मोड़ जाते हैं, इन पत्थर नुमा लोगों से तो फूल ही अच्छे हैं कमर, जो छूने से हाथों में खुशबू तो छोड़ जाते हैं। आए हाय 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 क्या बात है जनाब, क्या बात है माशाल्लाह, बहुत खुशी है आपसे मिलकर। तो जो आप ये शेर शायरी करते हैं कुछ खुआएं भी और YouTube चैनल बनाए उस पे आवाम को अपनी जो शेर शायरी है ना, मैंने ना एक से स्टार मैगजीन चला है लाहौर से, जी जी वहाँ पर मैंने फिर स्टार लगा, जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम क्या, किस नाम से छुपाया? मतलब कमर बास, क्या बात, अल्लाह को कामयाब करे। और ऐसे ही लिखते रहे और माशाल्लाह आपके अंदर बहुत टैलेंट है, अल्लाह को कामयाब है। तो अभी आगे जाते हैं, आगे जाके लोगों से इंटरव्यू करते हैं और फनी तरीके से करते हैं, तो जाते हैं आगे। चलो छोटे बनाने जवाब नहीं दसना। अगला सवाल मेरा है वे वो कहड़ी शायद वे जी सू दो बड़ी मुफ्ती लगती है, तीसरी बारी पैसे दे के खरीदनी पड़ती है? नहीं पता ओ वे दंद ने, दंद दंद दांत पहली दो बारी मुफ्ती लगते ना, पहली बार गंढ टुटते ने फिर पक्के पे उगे न थोड़े, हूँ बुढ़िया होना है तो टुट जाने हैं, फिर तुम पैसे ला के नवी तीसरी बारी पैसे ला के लो देना। तो पहला सवाल सी अल्फाज, मर्द बच्चे त्रै अल्फाज होंगे ने, औरत चार अल्फाज, आयन बहु आर ते औरत, मर्द बच्चे मीम आर रे दाल मर्द, मर्द ते औरत चार अल्फाज होंगे ने। और सो कम शुम सही जा रहा है, कोई भी शायद गाना शाना होंगे कोई होंगे सुना दो, कोई भी कोई शेर
ਕੋਈ ਸੁਣਾਇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾ ਆਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤੀਏ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਖੋਫ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇੰਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤਾ ਟੱਪੇ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਟੱਟੂ ਟੈਣਿਆਂ ਦਾ ਥਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਉਸ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕੰਬਲੀਆਂ ਦੀ ਢੋਰ ਢੋਰ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ शुक्रिया जजाकल्ला। और लास्ट क्वेश्चन में ये वो कौन सी चीज़ है जो औरत में चार दफ़ा और मर्द में तीन दफ़ा होती है? औरत में चार दफ़ा, हाँ जी मर्द में तीन दफ़ा होती है। नहीं बताए, सोचे इससे कॉमन सेंस का सवाल है, इजी है। औरत में चार दफ़ा होती है, मर्द में तीन दफ़ा, वो भी आपने मुझे बताई भी है। हाँ जी बताए, सोचे सोचे, आसान सा मुश्किल नहीं है इतना। बाकी मैंने जितनों से भी ये क्वेश्चन पूछा किसी ने इसका आंसर नहीं दिया है। माशाल्लाह कॉमन सेंस अच्छी है। जज़ाकल्लाह आपने बताया क्वेश्चन के आंसर दिए। लास्ट में अगर कोई शेर या कोई गाना हुआ आता है तो कोई भी सुना दें, कुछ भी। कुछ नहीं, कोई शेर, कोई गजल, कुछ ना दें, कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह जनाब, शुक्रिया। तो आज की वीडियो ये खत्म करते हैं। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।